वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बोला कि फिगर शोज, ठीक है, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जहां से आपको फ्लो वेलोसिटी मेजर करने की जरूरत है, वेलोसिटी ऑफ द एयर पूछ रहा है आपसे, नहीं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। बोला कि क्या कि आपको डेंसिटी दिया हुआ है एयर का कितना, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। इसके आपको थ्रू अ कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट यूजिंग अ पिटॉट ट्यूब एंड अ वॉटर ट्यूब मैनोमीटर, क्लियर, द डिफरेंशियल हेड ऑफ द वॉटर इन द टू कॉलम ऑफ द मैनोमीटर इज 10 mm। डिफरेंशियल हेड की बात कर रहे हैं, नहीं, डिफरेंशियल हेड का मतलब क्या होता है आपको एक्स, ठीक है, ये दे दिया आपको कितना 10 mm, ये डिफरेंस आपको दे रखा है यहां तक का, नहीं, एक लेवल बराबर करके आपको दे रखा है डिफरेंस, क्लियर से बात है। अब क्या बोल रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ द एयर इन मीटर पर सेकंड निकालना है, फ्लो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो बोला कि फ्लो वेलोसिटी वी बराबर क्या होता है, अगर बात करें फ्लो वेलोसिटी की तो फ्लो वेलोसिटी वी बराबर होता है रूट अंडर 2gh। अब अगर h पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा, और h बराबर क्या होता है अगर बात करें तो होता है x इंटू एस एम बाई एस माइनस वन। एच बराबर होता है x इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, बस खत्म बात, इतना काम कर लेंगे तो निकल जाएगा, क्लियर। अब देखिए कैसे निकाला गया वैल्यू, बोला गया क्या कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया गया, देखिए ध्यान से, सबसे पहले एच फाइंड आउट किया, नहीं, तो बोला गया एच एयर की बात कर रहा है अगर, तो बात करेंगे क्या लिखेंगे, h वाटर इंटू एस वाटर अपॉन एस एयर, मतलब h बराबर बेसिक फॉर्मूला होता है x इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, इज दैट क्लियर। बोला अब s एयर की बात कर रहे हैं, नहीं, तो बोला गया क्या हो गया, s एयर अपॉन s वाटर, क्योंकि एयर और वाटर का कंपैरिजन चल रहा है यहां पे, तो बोला गया यहां पे निकल गया इक्वल टू कितना हो गया आपका h वाटर, ठीक है, यहां पे आप बात करेंगे एच एयर की, तो बोला एच एयर इक्वल टू हो गया, देखिए ध्यान से, एच एयर इक्वल टू क्या होगा आपका एच वाटर इंटू एस वाटर अपॉन एस एयर, तो एस वाटर कितना हो गया 1, और एस एयर की बात करेंगे तो कितना 1.2 अपॉन 1000, तो ये हो गया 1000 अपॉन 1.2, 1000 अपॉन 1.2। आप रिलेटिव डेंसिटी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना हो गया आपका 1000, और ये हो गया 1.2, नहीं, तो दैट वैल्यू इज 8.323। और जब 8.323 वैल्यू आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा आपका, बात बाकी क्लियर से बात है। आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे h बराबर x इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, क्लियर से बात है, आप इस फॉर्मूले के सहारे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है सबका, दोनों का डेंसिटी पता है तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं, और वहां से आप क्या निकाल सकते हैं v का वैल्यू, नहीं, तो v आ जाएगा इसका 12.8 मीटर पर सेकंड, इसका v का वैल्यू आ गया आपका 12.8 मीटर पर सेकंड, आपको यही फ्लो वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, नहीं, ओके, थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू।